गया पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी शराब माफिया का पर्दाफाश किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत जनकपुर शहीद ईश्वर चौधरी हॉल्ट के आसपास में भारी मात्रा में शराब आने वाला है और शराब के साथ साथ हथियार की भी खरीद बिक्री की जा रही है। गया एसएसपी राजीव मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए गया सिटी एसपी राकेश कुमार, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष उपेश सिन्हा, प्रभारी तकनीकी शाखा के नेतृत्व में छापेमारी की गई। गया सिटी एसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपराधी संजीत सिंह और कुख्यात अपराधी राजीव यादव के घर पर ताबेतोड़ छापेमारी करते हुए टीम के द्वारा उनके घर से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक थनेट, एक देसी राइफल, एक जिंदा गोली, एक मैगजीन और एक टेम्पो में 99 लीटर विदेशी शराब और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। ये एक गुप्त सूचना मिली थी मुफस्सिल थाना अंतर्गत, एक शराब की खेप आने वाली है और कुछ अपराधी है जो धंधे में लिप्त है, भी इकट्ठा होने की सूचना मिली थी। तो उस पर एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी, सह निरीक्षक मुफस्सिल और तकनीकी सेल के पदाधिकारी, उनके एक टीम बनाई गई थी और टीम को वहां पर जनकपुर शहीद ईश्वर चौधरी हॉल्ट के आसपास इलाके में वहां पर छापेमारी के लिए भेजा गया। छापेमारी के क्रम में संजीत सिंह उर्फ कालिया है, जो वहाँ का पुराना अपराधी है, इसका आपराधिक इतिहास रहा है, इसके घर पर छापेमारी की गई थी। तो इसके घर पर छापेमारी और वहाँ पर विदेशी शराब प्राप्त हुई थी, जिसमें 99 लीटर है विदेशी शराब, जिसमें IMFL है और प्लस कैन बियर भी है। और उसके पास दूसरे इलाके उनके पास में पड़ोसी मधुमती आश्रम है, वहाँ पर छापेमारी की है राजू यादव के घर पर। तो वहाँ से एक पिस्टल, कंट्रीमेड पिस्टल है, लोडेड पिस्टल थी, एक कंट्रीमेड कट्टा है, एक कंट्रीमेड गन और एक राइफल 315 बोर की राइफल के पार्ट्स मिले हैं उसके, जो कि अवैध रूप से छिपा के रखे गए थे राजू यादव घर से। ये सारी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी क्रम में एक टेम्पो भी मिली है, जिस पर यह शराब लदी हुई थी, और वेपन्स वगैरह जो भी हैं सारे इलीगली प्रोकर्ड है, इलीगल तरीके से बनाए गए, प्राप्त किए गए हैं। और इन अपराधियों का जैसे पता चला है कि राजू यादव वही हाल फिलहाल ही जेल से छूट कर आया था बेल पर, और फिर से आकर ये आपराधिक घटना में लिप्त हो गया है। तो अभी फरार चल रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं हम लोग, और आशा है कि इनकी गिरफ्तारी से और भी कई सारे कांड हैं जिनका खुलासा होगा, और ये शराब की तस्करी कहाँ से कर रहे थे लोग, इस पर भी हम लोग और इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। गिरफ्तारी क्या हुई? गिरफ्तारी एक महिला है यहाँ पर, जिनके जहाँ शराब मिली थी वहाँ पर एक महिला थी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। शराब को छिपाने में और उसको रखने में उनका भी हाथ था, इसलिए गिरफ्तारी हुई है।